गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पढ़ने से पहले हम सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालिए पहले सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? सॉल्युबिलिटी है आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या निकालेंगे कि सॉल्यूट जो है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के कितना प्रेजेंट है, मतलब क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, इसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब इसको मेजर कैसे करें कि भाई कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है? अब इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा सॉल्यूट हमारा है कैसा, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। हेनरी लॉ हमारे किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लें बच्चों। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो मैंने आपको यू रफली बताया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर शब्द इसलिए लगा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर शब्द इसलिए लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि सॉल्वेंट चेंज करते ही सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्वेंट पे नेचर पे भी डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर ले और उसमें शुगर डाले तो अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है, और सॉल्वेंट चेंज करके फॉर एग्जाम्पल हम केरोसिन ले लिए है ना, ये एल्कोहल ले लिए, तो उसमें शुगर इतनी अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगी। तो हमारा डिपेंड करता है कि हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया है, इसलिए यहाँ पर हम एक ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट। पर्टिकुलर शब्द लगाना जरूरी है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट प्रेजेंट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर। तो हमने डेफिनेशन क्या दी, जो हमारा सॉल्यूट है पर यूनिट वॉल्यूम में ग्राम में पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट चेंज तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये देखें कि मान लीजिए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने ये कंटेनर लिया, यहाँ पे हमारा एक सॉल्वेंट प्रेजेंट था, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, और इसमें हमने सॉल्यूट डाला, इसमें हम ये सॉल्यूट डाल रहे हैं। सॉल्यूट क्या करेगा, इसमें जाएगा, डिजॉल्व करेगा और सॉल्युबिलिटी हमारी निकलेगी। सॉल्यूट जो है मैक्सिमम, जितना भी हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, मतलब सॉल्युबिलिटी हम तब निकालेंगे जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, जितनी मैक्सिमम उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता हो।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तब हम उसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। ऐसा नहीं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, हमने एक कप पानी लिया और उसमें 1 टीस्पून शुगर डाली और हमने कहा कि ये सॉल्यूशन बन गया, इसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लीजिए। नहीं, मैक्सिमम शुगर उसमें जितनी डिजोल्व हो सकती होगी, 3, 4, 5 जितने भी टीस्पून शुगर उसमें ऐड करेंगे और जब तक उसमें ऐड हो सकती होगी तब तक उसमें हम सॉल्यूट मिलाएंगे और उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग निकालेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है और ये हम सॉल्यूट जो मिला रहे हैं, इसका जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन दोनों का मिलके बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तब हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, तब हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी कितनी है। ठीक है, तब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी, तब कैलकुलेटेड होगी जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक बात, ये बात समझ में आ गई आपको। और सॉल्युबिलिटी हम ग्राम पर लीटर में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यूनिट तो आपको समझ में आ गई होगी, जो डिजोल्व कर रहे हैं उसको ग्राम में लेंगे, जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो लीटर में लेंगे। तो ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर, लीटर वॉल्यूम क्या होगी, सॉल्वेंट कितना लिया है आपने और ये सॉल्यूट कितना आपने लिया, तो कितना सॉल्यूट प्रति लीटर में डिजोल्व हुआ है वही आपकी सॉल्युबिलिटी की यूनिट हो जाएगी। तो ग्राम प्रति लीटर पूरा लिख देती हूँ मैं, ग्राम पर लीटर है ना, इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये मोल प्रति लीटर ऐसे। ठीक है, ये हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी। अच्छा बच्चों, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। सॉल्युबिलिटी आपको क्लियर हो गई, अच्छी बात है। तो अब हम फैक्टर डालते हैं ऊपर कि किस किस फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। तो हेडिंग लगाइए फैक्टर्स, फैक्टर्स जिन पर हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। सबसे पहले है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसपे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो हेडिंग लगा लीजिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वो होता है, शुरुआत में ही आपने इसके सॉल्यूशन में पढ़ा था, जिसमें घोला जाता है, और सॉल्यूट वो होता है जिसको हम बोलते हैं, एंड सॉल्यूट। ठीक, तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, सॉल्यूट आपका कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, वॉलेटाइल है कि नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है, इलेक्ट्रोलाइट्स है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन सारे नेचर्स को देख के ही इनकी सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स टूटेंगे आयंस के में नहीं टूटेंगे, डिजोल्व होते भी हैं कि नहीं होते, स्पैडिंगली सॉल्युबल है कि कम्प्लीटली सॉल्युबल है, ये बहुत सारी चीजें नेचर पे आती हैं, उस पे ये डिपेंड करती है। ठीक, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हमने देख लिया कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और सॉल्यूट का नेचर कैसा है। एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट, ये कॉम्बिनेशन बना लिया आपने, एक आपने ले लिया, मैंने एक ही कॉम्बिनेशन बता रही हूं, इसी प्रकार आप और नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको यह भी पता है कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, जैसे रूल्स होता है ना, आप लोग जब एटॉमिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एटॉमिक केमिस्ट्री, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का एक रूल आता है कि जो जैसा होता है वो वैसे को पसंद करता है। ये हम लोगों की रियल लाइफ में भी होता है, हम जैसे नेचर के होते हैं वैसे ही लोगों से अपना मेल जोल बढ़ाते हैं, है ना। तो जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे को भी पसंद करता है, वैसे ही लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर
नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो पोलर साइड अगर हम यहाँ पे CCl4 और बेंजीन ले लें सॉल्वेंट में, गुड कॉम्बिनेशन, बोथ आर नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर। और यहां पर अगर हम ले लें सॉल्वेंट में वाटर ले लें और सॉल्यूट में बच्चों NaCl पोलर, तो ये इसमें बहुत अच्छे से डिजॉल्व है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, आप ये देखें कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, अगर CCl4 को हम इसके साथ डिजॉल्व करना चाहें तो ये नियरली टू इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल नहीं होगा, नियरली टू इनसॉल्युबल होगा या पूरी तरह से इनसॉल्युबल होगा। कॉम्बिनेशन चेंज कर दें NaCl को बेंजीन के साथ ले आए तो नियरली टू इनसॉल्युबल ही होगा या पूरी तरह से इनसॉल्युबल होगा, या तो इनसॉल्युबल के लगभग नजदीक होगा या पूरी तरह से इनसॉल्युबल होगा। ये है फैक्टर्स में, पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हमको देखना पड़ेगा कि हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे मेजर के लिए, क्लियर। चलिए दूसरा आता है फैक्टर हमारा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर हमारा आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको पता होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी आपको पता होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है, यहां पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, ठीक। पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें हीट ये खुद ही बाहर दे रहा है, हीट ज्यादा है इसके पास, खुद ही बाहर निकाल रहा है कि भैया हमको हीट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इसको हीट दिए जा रहे हो, फिर भी तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। मैंने नीचे की तरफ एरो बनाया इसका मतलब डिक्रीज करेगी, ऊपर की तरफ एरो बनाया मतलब इंक्रीज करेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज करती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लीजिए टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब तीसरा फैक्टर आया प्रेशर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उसी से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, मतलब प्रेशर हेनरीज लॉ जो है आपका, जो आज मुझे बताना है आपको, हेनरीज फैक्टर में तीसरा फैक्टर जो मैं बताने जा रही हूं वो है आपका हेनरीज लॉ। तो अब आ जाइए हेनरीज, कोई बहुत बड़ा इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हेनरीज लॉ कैसे आया ये देखना है हमको। तो फैक्टर हमने दो देखे थे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा देखा था टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा बच्चों वो है प्रेशर, वो है आपका प्रेशर, ये लास्ट फैक्टर है आपका प्रेशर पे ये कैसे डिपेंड करता है। अच्छा प्रेशर में एक बात देख लीजिए, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड हैं, अपने आप की मॉलिक्यूल अरेंज्ड हैं बिल्कुल सब कुछ, और दबाओ तो ऐसा नहीं कि प्रेशर में और दबाने से ये जो है लिक्विफाई हो जाएंगे या ये लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, इनमें कोई स्कोप नहीं बचा है कि अब इनको और दबाया जा सके, प्रेशर बढ़ाने पे या घटाने पे इनपे कोई स्कोप नहीं बचा है कि इनको और ज्यादा हम और दबा सके, इनमें नहीं। लिक्विड में तो फिर भी है कि चलो हो जाए, लेकिन सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास स्कोप बचा गैस में, जिसको कि हम जो है प्रेशर डाल के लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, फिर उसमें सॉल्युबल हो जाए। तो हम बात करेंगे गैस की, ये दोनों तो जो है इन पे ये लागू नहीं होगा। सॉल्यूट हमारा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में ये जो है
फिजिबल नहीं है, नहीं होगा ये। ठीक, तो अब डालिए गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट का क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, अगर हम देख लें, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ कंप्रेशन है और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। मतलब दिस हैज चांसेस टू कंप्रेस, इसमें कंप्रेस होने के चांसेस हैं। और यहां पर अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है आपके पास, इसमें मैं यहाँ पे तीन कोई अलग अलग गैस ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जिनका पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हमने ये तीन गैसेस ले ली है यहाँ पे, जो कि सॉल्यूट के रूप में है, गैसेस फॉर्म में है और इसमें आके लिक्विड में डिजोल्व होंगी, ये आपका सॉल्वेंट है। तो मैं पहले आपको डेफिनेशन नोट करा दूं तो फिर इस डायग्राम से उसको समझा पाऊंगी। तो आप पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर जो गैस है और ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो हम इसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी गैस कितनी ज्यादा इसमें डिजॉल्व हो रही है। और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने पार्शियल प्रेशर इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं एक ही गैस हो, जैसे इस केस में तीन गैस है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट गैसेस लिए ना तो ये कंप्लीट नहीं लग रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जिसकी पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो गैस उतनी ही ज्यादा उसमें डिजोल्व होगी। अब पार्शियल प्रेशर है क्योंकि आपने डायरेक्टली जो है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा, या जाई, मैंने आपको रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पढ़ाया था, तो जाई पढ़ाया था, जाई होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इन लिक्विड, यहाँ पे क्योंकि लिक्विड में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हमारे पास ये बात निकल कर आई कि पार्शियल प्रेशर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन जितना कम होगा वो उतना कम सॉल्युबल होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर एक साइन मिल जाता है हमको, गैस इन लिक्विड, ये लिखना जरूरी है, गैस इन लिक्विड KH, एक प्रोपोर्शनल के साइन मिल गया हमको KH, और ये KH ही हमारा क्या है, हेनरीज कांस्टेंट।
हेनरीज कॉन्स्टेंट। क्लियर, यही हमारा है हेनरीज कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया आपको कि हमने ये देखा कि डिफरेंट गैसेस ली, उनके पार्शियल प्रेशर हमने निकाले और उनको जो है हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा आएगा वो उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट होगा। तो पार्शियल प्रेशर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को सही निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगाया और उस कॉन्स्टेंट को नाम दिया हमने हेनरीज कॉन्स्टेंट, क्योंकि हेनरी नामक साइंटिस्ट ने ही इसकी खोज की थी, उन्होंने ही ये रिलेशनशिप डिस्कवर किया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग को ये चीज समझ में आ गई है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि हेनरीज कॉन्स्टेंट जो है आपका, उस पर फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोगों ने फैक्टर्स कहे थे, नेचर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक एक फैक्टर को डिस्कस करते जाते हैं कि हेनरी कॉन्स्टेंट पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला फैक्टर डाल लीजिए बच्चों, पहला फैक्टर है हमारा अच्छा केएच की यूनिट क्या होगी, ये भी देख लीजिए पहली बार केएच की यूनिट क्या होगी। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है पी इज इक्वल टू केएच एंड गैस इन लिक्विड, है ना, यही फॉर्मूला तो हमने निकाला है। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, जाय की मोल अपॉन मोल करके कट जाता है। भाई जाय क्या होता है, नंबर ऑफ ए मोल अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस बी, मतलब सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूशन के मोल। तो ऊपर भी मोल आ रहा है और नीचे भी मोल, तो ये तो कट ही जाता है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। यूनिट इसकी हुई तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट हो जाएगी। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, 1 atm बार टॉर पास्कल, है ना, वही सब इसकी यूनिट होती है। तो वही यूनिट जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हमारी हेनरी कॉन्स्टेंट की यूनिट भी हो जाएंगी। ठीक, अब हमें एक अगर ग्राफ खींचे, यहां पर हमने एक ग्राफ खींचा है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, यहां पर हम प्रेशर ले रहे हैं और यहां पर हम जाय ले रहे हैं गैस इन लिक्विड। तो हमें एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही है ये, और इसका अगर हम टेंजेंट निकालें, टेन थीटा निकालें, हालांकि इस पे आधारित न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, खाली एक ग्राफ ही है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ये ग्राफ आ जाता है आपका, इज इक्वल टू पी अपॉन जाय गैस, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक, तो ये हमारा रिलेशनशिप इसमें आता है इज इक्वल टू के एच। भाई उसी फॉर्मूले को तो हमने लिख दिया, अगर पी अपॉन भी लिखा तो इज इक्वल टू के हो जाएगा, यही फॉर्मूला तो यहां लिखा है हमने। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, के एच अब कैसे डिपेंड करता है, के एच डिपेंड करेगा, डिपेंड नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केएच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। अगर हम गैस कह रहे हैं तो यहां पे सोल्यूट जो है गैसेस फॉर्म में है, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वही बात जो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था, वहां पे हमने गैस की जगह सोल्यूट लिखा था, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट हमारा गैस ही तो है जो डिजोल्व हो रहा है, जिसको घोला जाता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं और जिसमें घोला जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हम जो है जाय जो है गैस इन लिक्विड पी अपॉन के एच, जिसका के एच
केएच जो है जितना कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। रिवर्स रिलेशनशिप है, जाई गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, ये रिलेशनशिप इसमें आएगी। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले लें बच्चों, इसको बिगाड़ दूं, मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको। ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं जिससे आप कंपैरिजन करके तीन, आप केएच लिख लीजिए एक जगह एक तरफ और एक तरफ आप गैस लिख लीजिए। केएच वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, लगभग के करीब है 140, इसकी करीब 144 कुछ होती है। ये हम 75 लिए ले रहे हैं, ये हम 35, यहाँ पर है हीलियम गैस और ये 75 लिए है हमने हाइड्रोजन की और ये 35 लिए है हमने ऑक्सीजन की। ये केएच वैल्यू है और ये गैसेस हमने जो ली है, इसमें क्या होगा, जिसका केएच जितना ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। जिसका केएच जितना ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी है। तो ये इसका उल्टा है, तो जिसका केएच जितना कम होगा या केएच मोर केएच है ना, अगर केएच ज्यादा है तो लेस सॉलिबिलिटी। क्लियर ये बात? तो ये तो हो गया नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अगर हम दूसरी दूसरे फैक्टर को देखें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर में क्या होगा, उसको निकाल दो, दूसरा फैक्टर लिखो टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर, तीन ही फैक्टर है, प्रेशर टेम्परेचर और नेचर। दूसरा फैक्टर डालिए टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएच बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, केएच डिक्रीज करेगा। अगर केएच डिक्रीज करेगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, अभी आपने देखा है, क्योंकि दोनों का रिवर्स रिलेशनशिप है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर इसको शब्दों में लिखें, टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, केएच डिक्रीज करेगा। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है और केएच वैल्यू डिक्रीज करती है, तभी तो क्या होता है ना। एक एग्जांपल इसका बहुत ज्यादा फेमस है कि एक्वेटिक एनिमल जो है ठंडे पानी में कंफर्टेबल क्यों रहते हैं, गर्म पानी में कंफर्टेबल क्यों नहीं रहते, क्योंकि ठंडे पानी में क्या होगा, ठंडे पानी में गैस जो है ज्यादा सॉल्विबल करेगी, ठंडे पानी में क्या सॉलिबिलिटी, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, यहाँ पे सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी किसी भी गैस की और केएच जो है उसका अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पे मैं ये गलत बता गई आपको, ये हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच की वैल्यू इंक्रीज करती है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है गैस की, किसी भी गैस की। तो जब आप किसी पानी में अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो उसमें केएच की वैल्यू बढ़ गई तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, अगर पानी ठंडा होगा तो उसमें गैस ज्यादा सॉलिबल होगी। तो नदी वगैरह में क्या होता है, पानी ठंडा होता है उसमें अगर ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा डिजॉल्व होगी तो एनिमल को सांस लेने में आसानी रहती है, इसीलिए ठंडे पानी में वो कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा घुली रहती है उसमें। अगर पानी गर्म हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है उसमें कम घुलेगी, कम घुलेगी तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए एनिमल ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस चीज को देख लीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच बढ़ता है और सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। बाई मिस्टेक मैं पहले उल्टा बता रही थी, अब ये देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच बढ़ेगा और सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये हो गया, तो यही है बच्चों, प्रेशर का प्रभाव आपने देख ही लिया है कि क्या होता है उसमें।